दो तस्वीरें आपके सामने हैं, बंटवारे के बाद देश को एकजुट करने वाला नायक कौन है, नेहरू या पटेल? दोनों। अगला सवाल, पार्टी को बेहतर तरीके से संभालने वाला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है, सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे? सोनिया गांधी जी रही हैं और अब ये हैं। बेहतर कौन है जी? बेहतर कौन है? ऐसा है, सोनिया गांधी जी वहाँ पे लगभग 1996 से लेकर रही हैं, तो उनका कार्यकाल 20 साल से ज़्यादा का रहा है, इनका तो अब एक साल का भी है, तो इन्हें तो इसलिए मैं समझता हूँ खड़गे जी भी बहुत ही वरिष्ठ राजनेता है और उनका संघर्षशील जीवन रहा है, इसलिए उनके अनुभव और संघर्षशील जीवन के उनकी जो है उसमें हमें पूरा भरोसा है वे दृढ़ता से अच्छे ढंग से हमारी अध्यक्षता करेंगे और उनके आने के बाद हमें सफलता भी, कुछ कई राज्यों में चुनाव हम लोग जीते हैं। अगला सवाल, कांग्रेस के भविष्य का नेता कौन है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? बात समझ लीजिए, राहुल गांधी यहाँ के अध्यक्ष भी हमारे AICC के रह चुके हैं, प्रियंका जी भी अभी उसके बाद उनके बाद चुनाव में इसमें राजनीति में आई हैं, तो इसमें भविष्य का नेता कौन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का बेहतर मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान या मोहन यादव? एक तो असफल रहे हैं, एक अभी नए नए हैं। नेक्स्ट, इंडिया का संयोजक किसे होना चाहिए, नीतीश कुमार को, मल्लिकार्जुन खड़गे को या ममता बनर्जी को? जो इंडिया अलायंस तय कर ले। आपके हिसाब से? जो इंडिया अलायंस तय कर ले। अब जो मैं सवाल आपके सामने ला रहा हूं उसको आप वरीयता के हिसाब से बता दीजिए कि फर्स्ट में कौन आप मानते हैं, सेकंड में और थर्ड में, फोर्थ में किसे? पहला सवाल, इनमें से भारत के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव? अगर 1, 2, 3, 4 करें तो इंदिरा गांधी नंबर 1, अटल बिहारी जी नंबर 2, नरसिम्हा राव जी नंबर 3, चौथे की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से सबसे बेहतर काम करने वाले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल, हेमंत बिस्वा सरमा, नवीन पटनायक? सबसे सफल तो नवीन पटनायक रहे। इसके बाद क्रम बता दीजिए, इसके बाद मुझे क्रम में कुछ नहीं कहना। नेक्स्ट, कांग्रेस से पीएम पद का उम्मीदवार कौन होना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या दिग्विजय सिंह? ये दिग्विजय सिंह का नंबर काट दीजिए। अगला सवाल, इनमें से हिंदू धर्म का सबसे प्रामाणिक चेहरा अभी कौन है, स्वामी रामदेव, बाबा बागेश्वर, मोहन भागवत या राम भद्राचार्य? कोई एक को तो आप, कोई एक क्रम तो आप दें। अगला सवाल, विपक्ष का कौन सा नेता प्रधानमंत्री पद के ज्यादा योग्य है, अगर इसमें आप 1, 2, 3, 4 करें, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसके बारे में कोई उत्तर नहीं दूंगा, पर फिर भी आप मानते तो होंगे कि ये व्यक्ति ज्यादा योग्य है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का कोई उत्तर नहीं देता। चलिए जयशंकर जी। क्या पूछने बुरा गया है। चलिए खत्म करिए, मुझे उम्मीद थी कि राहुल जी का नाम लेंगे दिग्विजय जी, नाराज मतलब सचमुच मुझे ये उम्मीद। बात ये है, मेरी मुसीबत ये है कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता। नहीं, राहुल जी वाले पे होना चाहिए था मेरी उम्मीदें तो। अरे एक चीज बताइए, आप लोगों का असेसमेंट इतना वे ऑफ द मार्क क्यों था मध्य प्रदेश जी? आप लोगों का असेसमेंट इतना वे ऑफ मार्क क्यों था मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में देखिए, ये ईवीएम माता की कृपा हम पर नहीं है, पर वो ईवीएम तेलंगाना में भी तो था, तेलंगाना में आपकी सरकार बन गई, आपसे कहता हूं हिमाचल में आपकी सरकार बन गई, आप बीजेपी का स्टेक्स नहीं होता है वहाँ ईवीएम खेल नहीं, ऐसा कैसे हो? बार-बार जो ईवीएम करते, मेरा तो सुन लीजिए, मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ, मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है, चाहे जीते हारे मुझे आपत्ति नहीं। जयशंकर जी, बार बार आप लोग ईवीएम का सवाल उठाते हैं लेकिन चुनाव हो जाने के बाद उठाते हैं, मैं तो नहीं, चुनाव से पहले मैं पहले से कहता आया हूँ कि भाई सर ईवीएम के बारे में पुनर्विचार करिए। सर मेरा निवेदन इतना ही है कि ईवीएम तो ठीक है, जो है सो है, लेकिन उसके अलावा आपके अंदर की जो कमियां हैं, आपके पार्टी के अंदर जो कमियां हैं, आप बात करते हैं अडानी का विरोध करते हैं, राहुल गांधी अडानी के खिलाफ भाषण करते हैं,
कमलनाथ जी अडानी का अडानी पावर प्लांट लगवाते हैं छिंदवाड़ा में, अडानी के सारे प्रोजेक्ट अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ले आते हैं वहाँ पर। आप ओबीसी की बात करते हैं, नेतृत्व तो देते हैं कमलनाथ दिग्विजय सिंह को, ओबीसी और दलित आदिवासी आपके साथ क्यों जुड़ेगा? आप कभी इस बात पर विचार किया है आपने? आप पहली बात सुन लीजिए, पहली बात सुन लीजिए, जहाँ तक अडानी का ठेके देने की बात है, ये सारा कॉम्पिटिटिव बिडिंग से होता है और कॉम्पिटिटिव बिडिंग में कोई अगर आता है तो हमको किसी को ये बात तो नरेंद्र मोदी भी कह सकते हैं, भाजपा की सरकार भी कह सकती है। सुन लीजिए, जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग के आधार पे होता है, अडानी जी का जहाँ तक सवाल है, जहाँ प्रधानमंत्री लॉबिंग करेंगे उनके लिए विदेशों में जाकर, तो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने विदेशों में जाकर किसी एक कॉरपोरेट ग्रुप की लॉबिंग नहीं करी है जिस तरह से मोदी जी ने अडानी जी के लिए की है, नंबर एक। नंबर दो, आप ये क्यों भूल जाते हैं, सिद्धरमैया जी ओबीसी, भूपेश बघेल ओबीसी, अशोक गहलोत ओबीसी। तो बात मध्यप्रदेश की हो रही है जी, बात हम मध्य प्रदेश की कर रहे हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश सवाल है, भी आप लोगों ने मध्य प्रदेश का सवाल है, जहाँ तक मध्य प्रदेश सवाल है, हमारा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष अभी ओबीसी, विपक्ष का नेता आदिवासी। जब मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो दिग्विजय सिंह कमलनाथ होते हैं। दिग्विजय सिंह रेस में थे ही नहीं इस बार, नहीं उसके पहले भी जब सुभाष यादव थे तब मुख्यमंत्री आप बने थे, और सुभाष यादव नहीं बने थे, देखिए जमुना देवी नहीं बनी थी उस समय वोटिंग से हुआ था और मत गिरे थे, और मतों के आधार पर मुझे बहुमत के आधार पर श्यामाचरण शुक्ला जी मेरे खिलाफ थे और श्यामाचरण जी के ज़्यादा मुझे वोट मिले थे, इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना था। लेकिन बनते ही मैंने सुभाष यादव जी को मेरा उप मुख्यमंत्री बनाया, जमुना देवी, और उसके बाद जमुना देवी जी को नेक्स्ट राउंड में मैंने बनाया। दिग्विजय जी, अब चलते चलते प्यारेलाल कंवर जी को बनाया, वक्त समाप्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल आपसे यही है कि इस चुनाव में 2024 के चुनाव में क्या राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है, और क्या जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे आप जो लाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसकी काट हो पाएगी? इस देश में 2024 के चुनाव के मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, जिस प्रकार से आर्थिक जो खाई बढ़ती चली जा रही है लोगों में, अमीर गरीब की, जिस तरह से कर्जा बढ़ता जा रहा है देश पर, जिस तरह से काले धन की बढ़ोतरी होती चली जा रही है, बात इन मुद्दों पर होना चाहिए। जहाँ तक राम जी के मंदिर का है, राम जी का मंदिर जो है वो कोई चुनावी मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। बस छोटा सा सवाल जल्दी, दिग्विजय जी मेरा कहना है 3 दिसंबर को आपने तो कहा था ना महाराज जी, दिग्विजय कि आप ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, नहीं नहीं भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास में, जी जी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खूब खाओ और उसके बाद भाजपा में आ जाओ। दिग्विजय 3 दिसंबर, दिग्विजय सिंह जी, दिग्विजय 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश का परिणाम आता है, चुनाव में हारने के बाद भी कमलनाथ इस्तीफा नहीं देते, बाद में पार्टी उन्हें जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना देती है। मेरा यह कहना है कि अब जीतू पटवारी युवा प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो अब यह क्या माना जाए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का युग खत्म हो रहा है, अब युवा नेतृत्व मध्य प्रदेश को देखेगा? वो नहीं चाहिए, ये तो प्रकृति का नियम है। मैं 38 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था, 46 साल के अंदर मैं मुख्यमंत्री बन गया था, तो ये तो है ही, अच्छी बात है, नई पीढ़ी को आना चाहिए। और उस समय राजीव गांधी जी ने हम लोगों के जनरेशन में कई लोगों को जो सबसे सफल हुए, राजशेखर रेड्डी हमारे साथ थे, अहमद पटेल हमारे साथ थे, ऑस्कर फर्नांडिस हमारे साथ थे, अशोक गहलोत हमारे साथ थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ थे, ये 30 साल तक हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के अंदर आगे आने के हम लोग। दिग्विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 9 के इस कार्यक्रम में आने के लिए।